यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मदन मोहन मालवीय कॉलेज में मनाया गया झंडारोहण, प्रधानाचार्य ने सलामी दी। प्रयागराज करछना मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में मनाया गया झंडारोहण और प्रधानाचार्य मदन मोहन शंकर ने सलामी दी। एनसीसी के सत्येंद्र कुमार ने झंडे को सलामी दी। एनसीसी के कैंडिडेट द्वारा फ्लैग मार्च कर झंडे को सलामी दी। विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस विद्यालय बारे में बताया कि यह विद्यालय 2 जुलाई 1947 को स्थापना हुआ और ये दूसरी खुशी है कि हम 15 अगस्त 1947 को इस विद्यालय की जब नींव रखी गई थी तो इस क्षेत्र में यह विद्यालय दूसरा है। प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय गीत के साथ साथ वीर शहीदों को भी याद किया गया। विद्यालय के बच्चों द्वारा मनमोहन नृत्य कर सभी को भाव विभोर कर दिया। बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से एक प्रस्तुति दी जिसमें बच्चों का लोगों ने खूब उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका व समाज सेवी एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहे। प्रयागराज करछना से लालचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। मुख्य अतिथि माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लोकेश द्विवेदी जी, हमारी प्रबंधक महोदया, हमारे संरक्षक श्री लोकेश द्विवेदी जी की सुपुत्री और इस विद्यालय में दीर्घकाल तक सेवा करने वाले श्री लालचंद पांडे जी, उपस्थित शिक्षक, प्यारे बच्चों, आपने मेरी माटी मेरा देश इसका एक कार्यक्रम हमारे 11th क्लास के बच्चों ने बहुत ही स्फूर्ति और उत्साह के साथ करछना ब्लॉक में प्रस्तुत किया था, जिसकी प्रशंसा विभिन्न माध्यमों से विद्यालय को प्राप्त हो रही है। पुनः मैं उन 11th क्लास के सारे बच्चों के लिए और उनके साथ जो टीचर्स तैनात थे, श्री सत्येंद्र कुमार जी, श्री शैलेश यादव जी, श्री ब्रजेश जी और अन्य सहयोगी, उन सबको और पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बच्चों, आज हम लोगों के बीच में जो नए बच्चे हैं वो देख रहे होंगे कि हमारी प्रबंधक महोदया और हमारे संरक्षक नए बच्चों से पहली बार मुलाकात है। आपका मार्गदर्शन विद्यालय के लिए निरंतर प्राप्त होता रहता है, किंतु विद्यालय डिस्टर्ब ना हो, आप लोग डिस्टर्ब ना हो, बीच में कहीं पर पठन पाठक बाधित ना होने पाए, इनका कहना है कि हम कम से कम विद्यालय में दखल अंदाजी करें और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपका केवल आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप आज ये नन्हे मुन्हे बच्चे यहाँ पर विद्यमान है। एक आपने सुन रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल इसकी बहुत चर्चा है। जिसने इसका आविष्कार किया उसने